व्हाट्सएप गलती। तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं अपना मेथड नंबर 4, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन नाम से समझ आ रहा है क्या काम होगा, यानी किससे रिलेटेड होगा बेटा, ये कैपिटल से रिलेटेड होगा। ये है क्या, इसको समझाने से पहले, इसके अंदर दो टाइप के मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन में। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे दो टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, पूरा नाम ये है इसका, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये होता क्या है, आओ इसका जरा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरी एक फर्म है, मैं 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब इस 10 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरे कॉम्पिटिटर्स को कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है 50 लाख। कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, 50 लाख। और यही काम मैं कितने में कर रहा हूं, 30 लाख्स में। कितने में, 30 लाख्स। यानी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 20 लाख रुपए बचा रहा हूं। यस नो, यानी जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसको कमाने के लिए मैंने कितनी सेविंग्स कर ली, 20 लाख की। ये 20 लाख से कहलाएगी मेरी गुडविल। इसको समझते हैं, मतलब जो आज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसको कमाने के लिए मैंने कितनी कैपिटल बचा ली, जो आज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसको कमाने के लिए मैंने कितनी कैपिटल बचा ली, वो क्या कहलाएगी, मेरी गुडविल। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, जो आज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसको कमाने के लिए और कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, ये क्या होगी, मेरी गुडविल। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ। पहले में मैंने क्या बोला, जो आज मैं कमा रहा हूं उसको कमाने के लिए मैंने कितनी कैपिटल सेव कर ली, और जो आज मैं कमा रहा हूं उसको कमाने के लिए और कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, ये क्या मेरी गुडविल। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको नहीं लग रहा है मीनिंग सेम है, एक में मैं कह रहा हूं मैंने कितनी कैपिटल बचाई, एक में कह रहा हूं मेरे को और कितनी लगानी चाहिए थी, फर्क क्या दोनों में, सेम है। जो पहला मैंने पॉइंट बोला दैट वाज एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी मैंने कितनी कैपिटल बचाई। दूसरा मैं बोलता हूं सुपर प्रॉफिट, यानी और कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। बात समझ आई। अब ये कैसे है, इसके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप नंबर वन हमारे को निकालना पड़ेगा यहां पे कैपिटलाइज वैल्यू, हमारे को निकालना होगा कैपिटलाइज वैल्यू। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। देन स्टेप टू, गुडविल क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट। चीज इसके अंदर एक ही स्टेप है, पर वो एक स्टेप सिर्फ लिखने में है, एक्चुअल में आपको सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सब कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पर। तो गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम सबने पहले पढ़ दिया, राइट, ओके। ये स्टेप्स नोट करो। अब क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. किसका यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years 54,000, 42,000, 39,000, 67 and 59।
कैपिटलाइजेशन रेट यानी ये क्या दे रखा है आपको बेटा, एनआरआर, क्या दे रखा है एनआरआर, एनआरआर कितना है 20%। नेट एसेट्स, नेट एसेट जानते हो कैसे कहते हैं, नेट एसेट्स बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड को, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड बात एक ही है। कितना है मेरी 2 लाख, तो आओ एक बार स्टेप्स देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में स्टेप वन क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना। उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए पहले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट करो 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 अपॉन में 5। 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59, 2,61,000 अपॉन में 5, 52,200। ये आगे मेरा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालते कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू मतलब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्चुअल में वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, कैपिटलाइज वैल्यू। तो 52,200 कमाने के लिए एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी मेरे को, मेरे को लगाने चाहिए थे 2,61,000 ही आ गया, 2,61,000 इतने लगाने चाहिए थे, और मैंने यही काम कितने में कर दिया, 2 लाख में। मेरे को लगाने चाहिए थे 2,61,000 जबकि मैंने कितना इन्वेस्ट करा 2 लाख, तो यानी मैंने कितने रुपए की सेविंग्स कर ली, मैंने कितने की कैपिटल बचाई 61,000 की। ये क्या हो गई मेरी गुडविल, गुडविल क्या हो गई, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 2,61,000 माइनस 2 लाख दैट इज 61,000। बोलो पॉइंट क्लियर, कंफ्यूजन इसे नोट करो। और इसके बाद ये क्वेश्चन 36 है, अटेम्प्ट करके दिखाओ राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 36 के स्टेप्स चेक करो और जिनका हो जाए क्वेश्चन 37 ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कहता है, अ बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख, यानी 8 लाख का क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर कितना है 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एनआरआर दे रखा मेरे को 10%, एवरेज प्रॉफिट इज 8 लाख। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, किससे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन से। तो कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, डू आई हैव, बोलिए नहीं। अच्छा और देखते हैं, एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 80 लाख, एसेट्स कितने की है 80 लाख की, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑफ 14 लाख। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी 80 लाख माइनस 14 लाख 40,000, तो मेरा कितना आ रहा है 65 लाख 60,000। यहां तक क्लियर। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट 65,60,000 इंटू में 10/100 यानी 6,56,000,
अच्छा जी ये आ गया। अब निकालो सुपर प्रॉफिट कैसे, एपी माइनस एनपी। मैं कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 8 लाख का, और नॉर्मली प्रॉफिट कितना आता है, 6,56,000। तो कितना हो गया मेरा, 1,44,000। अब गुडविल कितने की हो जाएगी, 1,44,000। देखो फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल्स टू एसपी इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो फॉर्मूला लिख देते पहले, एसपी इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, यानी 1,44,000 इनटू 100 अपॉन में 10, कितना हो गया, 14,40,000। लक बाय चांस लायबिलिटीज और गुडविल का अमाउंट सेम आ गया, पर एक लक बाय चांस फैक्टर है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा ही होगा। बोलो पहले यहां तक क्लियर, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल किससे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सेकंड में निकालना है सुपर प्रॉफिट, कितने साल के परचेज पर लेनी है, 3 ईयर्स के। तो ये तो सिंपल है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 3, कितना सुपर प्रॉफिट है, 1,44,000 इनटू में 3। तो मेरा कितना बना ही आपका, 14 3 42 प्लस 4,32,000, चेक इट आउट, 1,44,000 इनटू में 3, यस 4,32,000 करेक्ट आंसर है। बोलो पॉइंट क्लियर, इसे नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन 37 ट्राई करो। आओ स्टूडेंट्स देखते हैं टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहला मेथड है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले किससे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं आपको, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर लो, आपका आंसर सेम आएगा हमेशा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, क्या दे रखी आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे कितने की, 6 लाख। अब मैं आपको एक सीए वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, छोटा सा एक चीज दिखाऊंगा पहले, आगे पढ़ो। एसेट्स ऑफ फर्म कितनी है, 7 लाख, पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 6 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख। देखो पार्टनर्स कैपिटल कितनी दे रखी है, 6 लाख, और लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स है 7 लाख, लायबिलिटीज है 1 लाख। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का यूज करके हम क्या निकालते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट। अब एक चीज देखना कि मैंने ये क्यू पॉइंट पिक करा, 7 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और तरीका भी होता है, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक तरीका और भी होता है, क्या याद है किसी को, पार्टनर्स कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व, प्लस करंट यानी करंट अकाउंट, करंट मतलब करंट अकाउंट प्लस रिजर्व। अच्छा जी पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, 6 लाख, तो सीधा काम ही हो गया क्योंकि करंट और रिजर्व नहीं है। तो अगर आप नोटिस करें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखा है, निकालोगे दोनों तरीकों से सेम आएगा। यहां तक क्लियर है, पॉइंट क्या है, लेट सपोज यहां पे किसी वजह से आपका आता 8 लाख रुपीज, ये 6 ना होकर ये 8 होता,
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी रखी है 6 लाख, जबकि इससे कितना आ रहा है 8 लाख। आप किसको कंसीडर करते, सवाल ये आप किसको कंसीडर करते, यहां पर आप कंसीडर करते हैं एवरेज, क्योंकि वर्ड आ गया यहां पर एवरेज। बट एक्चुअली वैसे ये कॉन्सेप्ट सीए के यूज होता है, हम हमेशा एवरेज वाले को पिक करते हैं। अगर मान लो एसेट दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है, तो एवरेज पिक करनी कि हम हर साल लगभग कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर, आपके लेवल पे नहीं है, बट अगर सीबीएसई ने हल्का सा ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन डाल दिया तब आप ये करेंगे। आइए वापसी आते हैं, तो ये आ गया मेरा, और क्या है, एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होगा मेरे को, प्रॉफिट कितना है 2 लाख्स, 1,80,000 एंड 1,60,000। एनआरआर कितना है 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1 लाख टू पार्टनर्स इज टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 1 लाख की सैलरी क्या लेके चलेंगे बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज मतलब जो माइनस करना ही करना है। अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो भी हम माइनस करते हैं, हमने क्वेश्चन में कराए। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, ईयर एंडेड 31st March 2024, 31st March 2023 and 31st March 2022। कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मेरा 2 लाख, पर इसमें से पहले क्या कर दूंगा माइनस 1 लाख का रेम्यूनरेशन, तो कितना बैठा 1 लाख। फिर 1,80,000 में से 1 लाख गए। अच्छा इसका तरीका एक और भी होता है, शॉर्टकट बताता हूँ अभी, 80 फिर 1,60,000 में से 1 लाख गए 60, तो कितना आ गया मेरा 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 2,40,000 / 3 यानी 80,000। इसका शॉर्टकट क्या है बता दूं आपको, आप चाहते एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे, इन तीनों का एवरेज निकाल दो कितना आएगा 2,00,000 + 1,80,000 + 1,60,000, तो इनका एवरेज आ जाएगा 1.8 लाख यानी 1,80,000, राइट 1,80,000। इसमें से क्या कर दो, जो सैलरी है यानी 1,00,000 रुपए माइनस कर दो, आप इसमें से क्या कर सकते थे फिर 1,00,000 रुपए की सैलरी माइनस, तो जो तो तरीका ठीक लगे वैसे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, 3 इयर्स परचेज है एवरेज प्रॉफिट, तो कितनी आएगी गुडविल, एपी इंटू 3 यानी 80,000 इंटू में 3 कितना हो गया 2,40,000। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड के अंदर क्या है, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट लेना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता है मेरे को, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एनआरआर 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 6 लाख इनटू में कितना परसेंट 10% अपॉन 100 यानी 60,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सर क्या एग्जाम में हमारे को फॉर्मूला लिखना है, नहीं मेरे बच्चा आप डायरेक्ट कर सकते हो, 80,000 माइनस 60,000 यानी 20,000, तो यहां से गुडविल कितनी 20,000 इनटू में 3 यानी 60,000। थर्ड, थर्ड क्या मेरा,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल इज इक्वल्स टू एसपी इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर. एसपी कितना है 20,000 इनटू में 100 अपॉन में 10 2 lakhs. एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो इसके लिए क्या चाहिए होगा गुडविल के लिए, बच्चे ने कहा नॉर्मल प्रॉफिट, रॉन्ग. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो बेटा मेरे पास क्या क्या है खुद देख के बताओ, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है या कैपिटलाइज वैल्यू है, नहीं. अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते थे याद करो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर. एवरेज प्रॉफिट कितने का है मेरा 80,000 इंटू में 100 अपॉन में 10 कितना आ गया मेरा 8 lakh. और अब गुडविल के लिए 8 lakhs माइनस 6 lakh तो कितना आ गया 2 lakhs. चेक कर लो दोनों से आंसर सेम है या नहीं है, ये आपका टॉपिक करो इसे नोट.